कोरोना काल के बीच देश की विकास दर 2020-21 की पहली दो तिमाही में नेगेटिव रहने के बाद पॉजिटिव जोन में लौट आई है। दिसंबर में खत्म हुई तीसरी तिमाही में विकास दर 0.4% रही। इसी के साथ भारत 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन के बाद दूसरे देश में बन गया जहां विकास दर पॉजिटिव जोन में आ गई है। देश में विकास दर पहली तिमाही में -24.4% और दूसरी तिमाही में -7.3% रही है। तीसरी तिमाही में जीडीपी का आकार 36,22,000 करोड़ का रहा जो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के 36,08,000 करोड़ की तुलना में 0.4% ज्यादा है। तीसरी तिमाही में ग्रोथ रेट 0 से ऊपर आने के बाद सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट -8% रहेगी। वित्त वर्ष 2019-20 में विकास दर 4% रहेगी।